हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होगे, खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं लंच कर रही हूँ। लंच में बना है पालक गोश्त, साथ में राइस है और साथ में है रायता। आज मौसम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और लंच आज इसीलिए जल्दी हो रहा है कि अभी थोड़ी देर में जो है वो मार्केट जाएंगे, कुछ थोड़ी सी चीज़ें खरीदनी हैं, तो वो भी साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चले पहले लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अगर वेदर अच्छा हो तो शॉपिंग करने का मज़ा भी आता है और साथ साथ इंसान जो है वो वेदर भी इंजॉय कर लेता है। और आज भी मौसम काफ़ी अच्छा है और अगर गर्मी हो ना तो फिर ये दिल चाहता है कि बस जल्दी से शॉपिंग करो और घर वापस चलो, फिर शॉपिंग करने का भी इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। और आज क्योंकि मौसम अच्छा है तो रोड्स पर रश भी काफ़ी ज़्यादा है और बारिश का पानी भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है। बस एक या दो रोड्स ऐसी थी जहाँ पर पानी जो है वो जमा नहीं हुआ हुआ था और फिर उस रोड से हम लोग जो है बड़ी मुश्किल से बाज़ार तक पहुँचे थे। आप लोग देखोगे तो बाज़ार में भी काफ़ी थोड़ा बहुत पानी जो है वो जमा हुआ था, कहीं पर ज़्यादा था कहीं पर कम था, और हमें ऐसा लग रहा था कि आज हम जो है वो मार्केट आकर फंस गए हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी किस रोड से जाएं और किस रोड से ना जाएं। लेकिन फाइनली हम जो है वो मार्केट जो है वो पहुंच गए थे। ये व्लॉग तब का है जब बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, वो अलग बात है कि बारिश होने के बाद दोबारा से गर्मी हो जाती थी, लेकिन यह है कि थोड़े टाइम के लिए बस मौसम अच्छा हो जाता था, बच्चे भी इंजॉय कर लेते थे और बड़े भी इंजॉय कर लेते थे। और इस बाज़ार का ये है कि यहाँ पर न्यू वैरायटी तब आती है जब वेडिंग सीज़न आने वाला होता है, तो अभी वेडिंग सीज़न नहीं आया तो फिर इस वजह से जो है वो मुझे लगता है कि ये लोग जो इनके पास पहले की चीज़ें पड़ी हुई वही ये लोग बेच रहे हैं। तो बस दो या तीन शॉप्स पर ही हम गए थे, फिर हमने एक ड्रेस बाय किया क्योंकि सबके पास तकरीबन सेम ही डिज़ाइंस थे। देखो बेटा ये कलर है, ये कलर है, उन्होंने पांच पर्पल खोल दे, पर्पल ये चीज है जो पिक है ना, बड़ी चीज इसके अंदर है। मैंने कहा तुम्हारा बिना टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैंने इसलिए आपको जो है ना वो चीज बताई है कि थोड़ी बात तो देख लो, थोड़ा खोल के ना, वो रख खोल के देखो। ये जो रेड है नहीं नहीं फिरोजी वाला, ये फ्रंट और बैक की पट्टी है, ये इसके पोंचो की पट्टी, ये इसके शॉल है, ये इसके बाद बनारसी जो ये दुपट्टे हैं, ये नहीं था बेटा, वो हैवी क्रोशिया वाला कह रही है, बनारसी था वो चीज, वो बच्चे वो चीज है, नहीं एक ये चीज है, ये और गेंदा का ब्रांड कट जाएगा।
हम चाहते हैं ये तिल्ले का काम थोड़ा हो, कढ़ाई हो बीच में, वो देखने वो चीज़ देखने। बैक पे सारी कढ़ाई है। हाँ जी, बैक पे भी कढ़ाई है भाजी, माशाल्लाह अभी डिज़ाइन आया, अभी सेल हो गए। मगर ये है और गंदा ना, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है इसका। ये ले, लोगों ने क्रिंकल के लगाए हैं, हमारे ओरिजिनल बनारसी के दुपट्टे, सॉफ्ट बनारसी। ये चासी है, इसमें और कलर नहीं है। ये बंद नहीं होगी, चेन इसकी तो नहीं है। क्या चेन नहीं है ना साथ में, नहीं तो बंद क्या की होगी। आपको बगैर नहीं आप कह रही हूँ, सब देखना। वो आम मिलेगा सारे खरीदते हैं भाई, जरा मर्जी लवे चीज अच्छी है। बच्चों की पजेब नहीं है, बच्चों की नहीं। चलो फिर उसका तो रेट करें अपन जी, 400 इसका लगा दिया, 400 इसका लगा, फर्क होगा। मैं जिम्मेदार 350 भाजी, मैंने कम किए हैं आप देखिए जो बनता है वो। इस शॉप पर जो है वो हिजाब आए करने के लिए आए थे, और यहाँ पर जो है वो जायनमाज़ वगैरह भी थे, और साथ में ब्लैंकेट थे, अबायाज थे। स्टोलेट थे, और इसके अलावा एक दो चीज़ें थी बस, और हिजाब जो है वो बच्चों के थे, बड़ों के हिजाब नहीं थे। ड्रेस भी बाय कर लिया है, इसके अलावा जो है वो एयरिंग्स लेने थे वो भी ले ली हैं। जैसा कि आपने स्टॉल्स पर जब एयरिंग्स वगैरह देख रही थी तो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही थी, तो अभी आप देख रहे हो अभी तक बारिश का पानी जो है वो कम नहीं हुआ, हालांकि तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि जब भी वीडियो बनाऊँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, आप जब भी आओ तो मेरी कोशिश होती है कि कोई फ़ीमेल जो है मेरी वीडियो में मत आ जाए। और यहाँ पर जो है वो एक मूवी की शूटिंग हो रही थी जब हम बाहर मेन रोड से गुजर रहे थे, तो मैंने वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। तो सब लोग इनके पास जाकर बार बार पूछ रहे थे कि क्या करने आए, तो फिर पता चला कि यहाँ पे मूवी की शूटिंग हो रही है। और अभी यहाँ से गुजर कर जो है वो बाहर मेन रोड की तरफ चलेंगे, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश हुआ हुआ है। और मैं शूज़ पहन कर आई थी इसीलिए क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हुआ था, और मुझे लग रहा था दोबारा से बारिश आएगी। बारिश तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि पानी जमा हुआ हुआ था रोड्स पर, तो इस वजह से जो है पाँव ख़राब हो गए हैं। और यहाँ बाहर मेन रोड पर जो है यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ था है, जब भी हम अक्सर आते हैं ना, तो यहाँ से फिर इस स्टॉल से हमने जो है वो शामी कबाब लिए थे। इनके पास जो है वो चपली कबाब भी थे, लेकिन चपली कबाब नहीं मुझे पसंद इतने कोई ख़ास, तो यहाँ से शामी कबाब लिए थे। शामी कबाब वैसे काफ़ी टेस्टी थे घर जाके जब खाए थे। और ये जो है ये काफ़ी फेमस बिरयानी वाले हैं, लेकिन इनकी बिरयानी जो है ना बिल्कुल भी मुझे मज़े की नहीं लगी। बस जो चिकन का पीस था ना वो अच्छा था, हम लोगों ने जो है वो हाफ़ प्लेट ली थी इसीलिए कि टेस्ट करते हैं। और मुझे नहीं पता कि लोग किस तरह से इनकी बिरयानी खाते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं है। बहुत ही फेमस बिरयानी वाले हैं, यहाँ पे शायद आप लोग को दिख भी रहा हो इनका नेम वगैरह, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अभी घर चलते हैं और फिर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा दूँगी। ये वाला नेक्स्ट डे का क्लिप है, नेक्स्ट डे मैंने मेहंदी लगाई थी और साथ में ये पेपर के नेल्स बनाए थे, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ।
सिंपल जो वाइट कलर का पेपर होता है ना उसके नेल्स बनाए थे। अगर आप लोगों को जानना है कि किस तरह से बने थे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बनाना बता दूँगी। वैसे बहुत ही ईजी है बनाना, इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको थिनर की ज़रूरत नहीं पड़ती और ईजी रहता है। आप लोग जब भी चाहो उसको लगा लो, जब चाहो तो उतार लो। तो जो मेरी हथेली पर मेहंदी लगी हुई थी वो तो उतर चुकी थी और दूसरी साइड पर जो लगी हुई थी वो तो अभी उसका कलर था। तो ये आप नेल्स देख लो, और नेल्स दिखाते दिखाते जो है वो लाइट चली गई थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखा दूँगी। तो चलें, लाइट तो गई हुई है, मैं फिर भी आप लोगों को जो है वो शॉपिंग दिखा देती हूँ। ये शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो लोकल मार्केट है वहाँ पर जो है वो $1 की शॉप खुल चुकी है। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें बाई की है, मैंने वहाँ का विज़िट किया था। ये आप कह लो कप है या ग्लास है, और यहाँ स्ट्रॉ के ऊपर जो है वो टाई बनी हुई है, इससे थोड़े से मुझे अट्रैक्टिव लगे हैं तो ये दो मैंने ले लिए। ये मुझे दोनों जो है वो 150 में मिले हैं, एक पिंक कलर में है और एक ब्राउन से कलर में है, डिफरेंट कलर्स में थे। और सब के स्ट्रॉ पर जो है वो टाई नहीं लगी हुई थी, बस इन दोनों के स्ट्रॉ पर जो है वो टाई लगी हुई थी। अच्छा, अगर जिन लोगों के घर में बच्चे हैं ना तो वो ये लाजमी ले लें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को शेक वगैरह देना चाहते हो या कोई जूस वगैरह देना चाहते हो तो इस तरह के ना अट्रैक्टिव चीज़ों में लिया करो, फिर उससे ये होता है कि बच्चे जो है ना आराम से पी लेते हैं। और यहाँ पर मेरे नेल्स जो हैं क्योंकि पेपर के थे तो थोड़े से ख़राब हो रहे थे, और मैं साथ साथ इनको जो है वो सेट कर रही थी क्योंकि मैंने इसको ना गम स्टिक से लगाए थे। आप इसको अगर अच्छी वाली ग्लू से लगाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर लाइट भी गई हुई है और आप देख रहे हो कि अच्छा, साथ में ये आइसक्रीम बनाने के लिए या जो आप कहते हो ना कुल्फियाँ बनाने के लिए, ये वो है सांचे कह लो आप, तो ये फोर हैं। और इसमें भी आपको मैं बहुत जल्द जो है वो कुल्फियाँ बना कर जो है वो दिखाऊंगी। साथ में ये जो है हॉट पॉट लिया है, और ये वाला मैंने ये इसलिए लिया है कि अगर आप इसको पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये इजी टू कैरी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, तो आप आराम से अपने साथ जो है वो कैरी कर सकते हो। इसमें दो या तीन कलर्स और भी थे लेकिन ये वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और ये जल्दी गंदा भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा, तो मैंने ये वाला लिया। घर पे भी ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ होगा, और घर में तो हॉट पॉट भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ये दो किचन के लिए जो है वो बॉल्स लिए थे, और एक में जो है अभी रायता बनाकर जो है वो फ्रीज़र में रखा हुआ है, और ये वाले बॉल्स आपने स्टार्ट में भी देखे थे कि उसमें जो है वो सालन और रायता डाला हुआ था, और ये कवर हो जाते हैं इसलिए मैंने लिए थे, क्योंकि कवर के बगैर वाले तो 4-5 पड़े हुए हैं घर में लेकिन कवर वाले नहीं थे। और ये वाली जो है ये कढ़ाई थी, इसमें भी डिफरेंट साइजेस थे लेकिन ये वाला साइज़ मैंने लिया क्योंकि इसमें मैंने सोचा थोड़ी बहुत चीज़ें तो इसमें आ जाएंगी ना। और आप लोगों ने देखा है कि आप अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हो खाना वगैरह खाने तो वो आप लोगों को कढ़ाई में जो है वो जब चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई सर्व करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तो ये मैंने वहाँ से देखकर ये ली थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो अपकमिंग व्लॉग्स में मैं कुछ ना कुछ इसमें आपको बनाकर भी दिखाऊँगी, और मुझे वैसे पता नहीं कि फ्राइड के काम आएगी या कुछ कुक करने के काम आएगी, लेकिन लेट्स ही देखते हैं कि किस यूज़ के लिए काम आती है। इसके अलावा जो है वो एक दो रिंग्स ली थी, एयर रिंग्स लिए थे, और एक ड्रेस बाय किया था। ड्रेस मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो किसी को गिफ्ट देना है इसलिए मैं नहीं दिखा रही। और मैंने घर पे पहनने के लिए अपने लिए एक चप्पल ली थी, और एक जो है मैंने बाहर पहनने के लिए स्लीपर्स कह लो वो लिए थे, ट्रांसपेरेंट थे, वो मैं आप लोगों को जब पहनूंगी वो दिखा दूंगी। और साथ में मामा ने एक दो जूते लिए थे। तो बस यही व्लॉग था आज का, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर